ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका। नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। दर्शकों, ये शो हमारा कुछ ऐसी बातों पर आधारित है जिससे कि हम बहुत दूर दूर तक वाकिफ नहीं थे, और ये शो आपको अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लेकर जा रहा है। इस शो पर ऐसी बातें होती हैं, ऐसे खुलासे होते हैं, ऐसे सीक्रेट्स आपको बताए जाते हैं आपकी ज़िंदगी के, इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के, जो आज तक किसी भी शो में किसी ने नहीं बताए। ऐसे ऐसे सरल उपाय हैं जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। और हम बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा का, जो इतनी सरलता से इतना यूनिवर्स या ब्रह्मांड का जो रहस्य है हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। जी प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब। जैसे कि मैंने बात की कि पूरा ब्रह्मांड रहस्यमय है, रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन आप क्या दिन रात लगे रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में खोज करना, क्या है, कैसे है, अगर ये काम ऐसे हो रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? आप किस हद तक, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप स्टडी करते रहते हैं, क्योंकि शो, जब दर्शकों में आप बता दूँ, जब भी ये शो शूट होता है या हम जब इनसे रूबरू होते हैं, मैं कभी भी इन्हें पहले नहीं बताती कि मैं इनसे क्या पूछने वाली हूँ, लेकिन इस शो पर मैं इनसे ऐसे ऐसे कठिन सवाल भी पूछ लेती हूँ जिनका जवाब ये बड़ी ही आसानी से दे देते हैं। सो वही लोग दे पाते हैं जिनको इस बात का अच्छे से ज्ञान है, जो दिन रात स्टडी करते रहते हैं, नई नई बातों के बारे में खोज करते रहते हैं, रहस्यों के बारे में खोज करते रहते हैं। सो प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे, आपका कौन सा ग्रह ऐसा स्ट्रांग है जो आपको इस रहस्यमय दुनिया के पर्दे दिनों दिन आपके सामने खुलते ही रहते हैं? आपको पता होगा, महाभारत तो सबने देखी है। जब अर्जुन जी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो श्री कृष्ण जी ने सारी गीता का सार आपने सुना ही होगा, ब्रह्मांड दिखाया था। जब अर्जुन जी को घमंड आ गया था, जंग लड़ने के बाद मैंने इतने इतने बड़े योद्धाओं को हरा दिया, ऐसा कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण जी ने रुद्ध रूप अपना दिखाया था कि आपके साथ कौन थे, ये जो आपका झंडा खड़ा हुआ है ये किसकी वजह पर खड़ा हुआ है? हनुमान जी खुद विराजमान थे उसके रथ के ऊपर। ये रूप दिखाते ही साथ में उन्हें अपना मुख खोल के भी दिखाया था। पूरा ब्रह्मांड जो होता है इंसान के मुख में होता है, आपके भीतर ही सब कुछ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपके भीतर भी ये सारा ज्ञान है, लेकिन आप कैसे लेना चाहिए कैसे नहीं, ये आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो मैं करता हूँ, आप भी कीजिए, सारा ज्ञान आपके भीतर भी आ जाएगा। सबसे पहले आप कभी भी जो बाहर का खाना खाते हो वो नहीं खाना चाहिए, घर का पका हुआ खाना ही खाना चाहिए, चाहे कितनी भी देर हो जाए। अगर बाहर जा रहे हो तो घर से दो रोटी बनाकर लेकर जाइए, वो ही खाना खाइए, सात्विक खाना। उससे क्या होता है, आपका ज्ञान हमेशा बरकरार रहता है। और कभी भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, उससे आपकी अज्ञानता के ऊपर, जो ज्ञान के ऊपर पर्दा आ जाता है, अज्ञानता आ जाती है, वो नॉन वेज से आती है। और ये जो ज्ञान कैसे आता है, कैसे जागृत होता है, जब हम कभी सोने लगते हैं, मान लीजिए आप सोने वाले हैं, आपको पता चल जाता, हर इंसान को पता चल जाता है कि मैं अब सोने वाला हूँ, एक सेकंड या दो सेकंड पहले आपके मन में जो ख्याल आएगा, आज ही कीजिए ये तेरे बार, तभी पता चलेगा कि मेरे अंदर या आपके अंदर कितना ज्ञान छुपा है। जब आप सोने लगे, कोई भी बात मुंह से निकालिए, जैसे कि आपका कोई भी कठिन से कठिन सवाल है वो निकालिए। सुबह जैसे ही आप उठोगे, पहला जो आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपकी जुबान के ऊपर होगा।
सारी रात उस क्वेश्चन को ढूंढने में लगे रहोगे और सुबह तक वो क्वेश्चन का आंसर आपकी जुबान पे ही होगा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो ब्रह्मिंडे सो ही तत्पिंडे, ऐसा हमारे ग्रंथों में ऐसे ही नहीं लिखा, हम कभी करते ही नहीं हैं। 112 विधियां हैं भगवान को पाने की। कौन सा लग्न है आपका, कौन सा लग्न है, कौन सी विधि आपके ऊपर लागू होती है? क्या सोते हुए भगवान को पा सकते हैं, ये विधि आपके ऊपर लागू होती है? क्या योग में भगवान को पा सकते हैं, ये विधि आप में लागू होती है? कौन सी विधि, क्या आप बातों बातों में भगवान को पा सकते हैं? क्या आप जागते जागते भगवान को पा सकते हैं? कौन सी विधि लागू होती है, ये भी एक कुंडली ही बताती है। वो आपका रहस्य आपकी कुंडली के अंदर है। सभी पूरी दुनिया इस रहस्य को जान सकती है, लेकिन हम कभी कोशिश ही नहीं करते, हम कभी ये ही नहीं करते कहाँ हमारी किस्मत है ऐसा कर। ऐसा नहीं होता, हर इंसान के भीतर होता है सब। जी बिल्कुल, दर्शकों बिठाया तो मुझे यहाँ पर होता है प्रोफेसर साहब से सवाल पूछने के लिए, लेकिन जब ये बोलते हैं तो दिल करता है कि इनको बीच में ना टोके और सुनते ही जाएं, क्योंकि हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं अज्ञानता का ऐसा पर्दा है जो छाया हुआ है, और चाहते हैं कि वो पर्दा उठे और इनकी बातें सच में हमें एक ज्ञानता की ओर लेके जा रही है, एक रोशनी की ओर लेकर जाती है। सो मैं भी ये चाहूँगी कि आप भी घर बैठे इनकी ये बातें सुने, थोड़ा सा जो ज्ञानता का पर्दा अपने ऊपर से उठाएं, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कीजिए, भगवान पे बिलीव कीजिए, अपने ग्रह और स्टार्स पे बिलीव कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल है वो अदा करते हैं। दर्शकों हम इस शो पर किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप ये शो देख रहे हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं, हम इनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, सब कुछ तो आपके सामने है। सो फिर डरना किस बात का, हमें भी कोई झिझक नहीं होती इस शो पर इनके साथ रूबरू होने के लिए, आपको नी झिझक होनी चाहिए इनसे बात करने के लिए। हम चाहते हैं आप इनसे बात कीजिए, आप इन्हें कॉल कीजिए, हो सकता है कि इनके छोटे से उपायों से, रेमेडीज से आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएँ। अब बात करेंगे परेशानियों की। दर्शकों बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अच्छे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, लाखों रुपया खर्च कर कर वो अच्छा कोर्स करते हैं, पेरेंट्स परेशान हैं इतने पैसे खर्चने के बाद भी जो उनके बच्चे हैं अच्छे सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, किसकी कुंडली के कौन से ग्रह खराब हैं, पेरेंट्स या उनका बच्चा? आप लड़के को कहाँ भेजना चाहते हैं, आप लड़के को कौन सी विद्या दे रहे हैं और वो लड़का क्या चाहता है? पहले तो आप लड़के से जिसको आप कामयाब करना चाहते हैं उनसे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। आप हैरान हो जाओगे, जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो वही बात बोलेगा जो उसकी कुंडली में खराब होती है। यही तो ग्रह चक्कर है, ऐसे ही ग्रह करवाते हैं। जो कलर सबसे ज़्यादा पसंद होता है वही ग्रह खराब होता है इंसान की कुंडली में। क्या होता है, अगर आपको वाइट बहुत पसंद है तो देखिए आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र कितने खराब पड़े हैं। अगर आपको ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है, देखिए आपकी कुंडली में शनिदेव कितने खराब पड़े हैं। ऐसे ही होता है, जब कोई बंदा चूज़ करता है मैंने ये पढ़ाई करनी है, वही कुंडली में खराब होती है। क्यों? क्योंकि ये जो कहते ना, कहाँ रह रहे हैं हम कलयुग में, कलयुगी जीव हैं हम, लेकिन यहाँ कलयुगी जीव के साथ साथ सतयुगी जीव भी रहते हैं हमारे साथ। सतयुगी जीव कौन से होते हैं, जो पहले से आभास कर लेते हैं हमारे साथ अच्छा होना है या बुरा होना है। जो सतयुग यहीं पे रहते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, अपने धर्म और कर्म को कभी नहीं छोड़ते। उनका धर्म क्या है, माँ बाप की सेवा करना, कर्म चाहे कोई भी करते हैं। इसीलिए आपके बच्चे से पूछिए क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, ये भी आप हैरान हो जाओगे। जो आप चाहते हैं वो बच्चा नहीं चाहेगा, जो बच्चा चाहता है वो आप नहीं चाहोगे, यही तो ग्रह है। हाँ एक बात ज़रूर है, हम कहते हैं बच्चा फौरन चला जाए सेटल हो जाएगा, ये भी तो देखिए फौरन के ग्रह हैं। ये भी देखिए कि कौन से एक डॉक्टर बनाना चाहते हो तो मंगल और सूर्य का कितना प्रभाव है उसकी कुंडली में, ये सब कुछ हम कुंडली से ही देखेंगे। देखिए उसकी कुंडली या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि कुंडली के हिसाब से एक बार ज़रूर उपाय करा लेना चाहिए अगर आपका बच्चा अच्छे से सेटल नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या प्रोफेसर साहब ये भी देखना चाहिए, जैसे कि
बच्चों का जन्म होता है या बच्चे प्लस टू करते हैं, क्या एक बार कुंडली दिखा लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चा कौन से स्ट्रीम में जा सकता है जिससे कि उसको आगे लाइफ में तरक्की मिल सके? ऐसा क्या हमारे ग्रह या हमारे स्टार्स पहले ही इंडिकेट कर सकते हैं हमारी स्ट्रीम को? ट्यूशन पहले से ही आ जाती है, जैसे कि इंडिकेशन पहले से ही आ जाती है ये बच्चा क्या करेगा, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम देखते ही नहीं हैं। जैसे कि टेंथ के बाद आपका कोई भी रिश्तेदार बाहर है, इसको पढ़ाओ, आइलेट्स करवाओ, बाहर भेजो, अरे नहीं नहीं हमारा एक ही बच्चा है, क्या करना है हमने। वहाँ राजयोग था, जो इंडिकेशन आई थी वो हमने नज़रअंदाज कर दी। क्या किया आपने? ध्यान ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ पर है। वो भविष्य बताने के लिए आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि आपके बेटे की कुंडली में क्या लिखा है, यहाँ पे तरक्की लिखी है कि फॉरेन में तरक्की लिखी है, यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा कौन से सेक्टर में जाएगा, या शहर से बाहर जाएगा तरक्की होगी या शहर के भीतर ही तरक्की होगी। ऐसी ऐसी कुंडलियों में योग होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक योग बताता हूँ जिसका चंद्र फोर्थ हाउस में होता है, राशि को मैं फिर देखूँगा राशि कौन सी है, वो बच्चा हमेशा शहर से बाहर जाएगा तभी तरक्की करेगा। जैसे कि राहु लग्न में पड़ा है तो वो बच्चा शहर से बाहर जाएगा तब भी तरक्की करेगा। जैसे कि बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशन है, ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन हैं, बहुत से मेल हैं ग्रहों के, जो बच्चा कहाँ पर बैठ के तरक्की करेगा, घर में या बाहर, विदेश में या किसी और शहर में, कौन सी स्टडी करेगा, कौन सी जॉब करेगा, कौन से सेक्टर में जाएगा, ये सारी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ये सारी राहु और शुक्र से आती है। हम कहते हैं मॉडलिंग के लिए बच्चे को तैयार किया जाए, अरे उसका राहु और शुक्र तो देखिए, आपने मॉडलिंग तो पहले तो करवा दी क्योंकि उसका सूर्य अच्छा था, शहर में नाम हो गया, आगे बढ़ने के लिए शुक्र और राहु उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाने देगा क्या? डॉक्टर के लिए मंगल और सूर्य उसका साथ दे रहा है, डॉक्टरी तभी करेगा। हम क्या करते हैं, हमने कभी कुंडलिया पे ऊपर यकीन नहीं करते, या हम कई दफ़ा मैंने देखा है कई ऐसे घर होते हैं जो यकीन नहीं करते हमारा भगवान ही सब कुछ करेगा। अरे भाई भगवान ने ही तो एस्ट्रोलॉजी बनाई है, अरे भाई जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी तो भगवान ही है, भगवान कहाँ पे है, इंसान के भीतर, वो भी तो भगवान ने ही भेजा, अरे भाई उसके पास जाओ, वो जो दान पुण्य करवाएगा। जैसा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आपको आपका एस्ट्रोलॉजर बताता है 900 ग्राम चने की दाल किसी भी गुरुद्वारा या मंदिर में दे के आए, आपको 900 ग्राम चने की दाल किसने दिलवाई, एस्ट्रोलॉजर ने, आपने दी, आपके कुंडली में योग था, अगर आप 900 ग्राम चने की दाल दोगे किसी भी धार्मिक स्थान पर तब आपका गुरु जागेगा। तो ये आपका गुरु, ये तो आपको नहीं पता, ये कौन बताएगा, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ये कोई एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। अच्छा, क्योंकि आपके कर्म, जो आपके कर्म अच्छे या बुरे हैं ये एस्ट्रोलॉजर ही ठीक करेगा। एस्ट्रोलॉजर कैसा पढ़ा लिखा होना चाहिए ये देखना चाहिए कि उसके पास कौन सी विद्या और कौन सी विद्या का ज्ञानी रखता है, कौन सी डिग्री है उसके पास। फिर देखिए, ये जो आप दान पुण्य करते हो, थोड़ा सा दान पुण्य करने से या छोटा सा उपाय करने से आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि अगर ऐसी कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में है और आपको परेशान कर रही है तो आप परेशान ना होइए, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनके फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। अब क्या होता है कि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने और भी एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल किया होगा, अपने पैसे दे चुके होंगे, फिर भी हताश होंगे, निराश होंगे क्योंकि अभी तक उनके समस्या का इलाज नहीं हो पाया है। तो प्रोफेसर साहब, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं अगर कर्मों में लिखा है आपका अच्छा होना, भगवान ने लिख दिया तो आपके साथ अच्छा होकर रहेगा। मेरे पास वही अक्सर एस्ट्रोलॉजर आते हैं, वही क्लाइंट आते हैं जो पूरे शहर को घूम के फिर दोबारा वापसी में कि सब किसी साथ जाए, सबके पास हो आए, लेकिन हल नहीं हुआ। क्या हुआ? क्योंकि आपने भगवान, कहीं ना कहीं भगवान ये चाहता है कि आप जो उपाय बताएंगे वो उपाय क्या आपकी कुंडली में लिखा था और आपने वो किया ही नहीं। आपको पता होगा, जो भी मेरे क्लाइंट है उनको सबको पता है, मैं जब भी उपाय बताता हूँ आंखें बंद करके बताता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को ये पूछता हूँ, हे भगवान मुझे वो ग्रह दिखाना जो इस कुंडली में आज तक इसने कोई उपाय नहीं किया और वही उपाय इसके लिए कारगर हो।
मैंने आंखें बंद करके उपाय बताता हूँ, जब भी उपाय बताता हूँ, जब आंखें खोलता हूँ तो वही ग्रह मेरे सामने होता है। करने वाला तो भगवान है, हम तो एक जरिया है। लेकिन मेरे जितने भी क्लाइंट हैं या जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको पता है, मैं सबको यही बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान ही करते हैं, या आप खुद करते हो। आपने उपाय किया, भगवान प्रसन्न हुए, उसने हल कर दिया, मैं कौन होता हूँ। इसलिए करता वही है, लेकिन आपको रास्ता दिखाने वाला वो कैसा है, ये जरूर जान लेना चाहिए कि वो कितना ज्ञानी है, उसके पास कितना ज्ञान है। क्या वो आपको जो बता रहा है, क्या उसने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, या पढ़ा लिखा है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से डिग्री ली है, ये ज़रूर जानिए। और कौन सी विद्या कर रहा है, आपके भाग्य को बदलना हर किसी इंसान का बस में नहीं है। वो ही बदल सकता है जो भगवान के नज़दीक है। मैं तो नहीं भगवान के नज़दीक, आप खुद भगवान के नज़दीक हैं, आपके भीतर भगवान है। उसको जगाइए, देखिए, हर इंसान को पता चल जाता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अभी से देखिए, जो भी आपका दोस्त है उसके सामने बैठिए, आपको पता चल जाएगा। आम इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा वो क्या सोच रहा है। उसको सामने बिठाइए और देखिए उसकी आंखों में, आपको पता चल जाएगा कि उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये तो आम इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी मेडिटेशन करोगे, थोड़ा सा योग्य करोगे, तो सबके बारे में जान लोगे। जी बिल्कुल दर्शकों, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हमें यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा से। कह रहे हैं जैसे 112 विधियां हैं, किस तरह से आप भगवान की जो भक्ति कर सकते हैं, कैसे उनका सिमरन कर सकते हैं, कैसे उनको पा सकते हैं, क्या अब तक हमें मालूम था? नहीं ना, तो यही तो है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ जो इस शो पर आपके साथ शेयर हो रहे हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा के माध्यम से। अब बात हम उन लोगों की करते हैं जो जॉब से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते, बिजनेस खुलता है वो बंद हो जाता है, जॉब में जाते हैं तो बॉस से नहीं बनती है, स्टाफ से नहीं बनती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो प्रोफेसर साहब, जॉब या काम करने में ये जो दिक्कतें आती हैं, ये क्यों आती हैं? अब जॉब के लिए देखें तो 10th हाउस में देखूंगा, साथ में सूर्य को भी देखूंगा कि आपका सूर्यदेव कैसे हैं और कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर विराजमान हैं, कौन देख रहा है उसे। और 10th हाउस भी जरूर मैं लूँगा, क्योंकि जो 10वां घर होता है हमारा कर्म का होता है, और 6ठा हाउस जो होता है जॉब का होता है, 6ठे हाउस को भी साथ में लूँगा। और 6ठे हाउस का जो भाग्य होता है 2nd हाउस होता है। अब तो आपको ज्योतिष की बातें समझा रहा हूँ, बहुत डीपली बात मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है जब बार बार जॉब बदलते हो, बार बार काम बदलते हो, इन हाउसेस में कौन सा ऐसा ग्रह बैठ गया जो आपको टिक कर काम करने नहीं देता? वो हमारे हैं चंद्रदेव। जब भी चंद्र जहाँ पे बैठते हैं, मैंने पहले बताया था, चंद्र 30 डिग्री 2.5 दिन में पास करते हैं। जैसे चंद्र आपके 10th हाउस में आए, आपको टिकने नहीं देंगे, ना जॉब में ना काम में। लेकिन राशि देखिए, कौन सी राशि के पड़े हैं, स्थिर राशि के पड़े हैं, चर राशि के पड़े हैं, या द्वेष भाव राशि के पड़े हैं। हमारी राशियों के भी स्वभाव होते हैं कि वो चर है, स्थिर है, या द्वेष भाव है, कौन सी राशि के पड़े हैं। अगर वो चर राशि के पड़े हैं फिर तो बिल्कुल भी टिकने नहीं देंगे। अगर स्थिर राशि में पड़े हैं, हाँ जॉब पे तो वही जॉब रहेगी लेकिन बदली होती रहेगी, क्योंकि स्थिर राशि के है ना, इसलिए जॉब तो वही रखेंगे लेकिन बार बार ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, क्योंकि चंद्र की जो नेचर है वो जल्दी से ही बदल देते हैं, स्थान परिवर्तन करवा देते हैं। अब बात आई आपकी जो काम की, काम नहीं चलता या चलते चलते बंद हो जाता है, या ऐसा कौन सा, यही एक ग्रह होता है, यही एक घर होता है जो हमारा 10th हाउस होता है कर्म का भी। और अगर काम करते हो, बिजनेस करते हो तो बुध को साथ लेंगे, जैसे कि 10th हाउस में अगर बिजनेस करते हो 10th में बुध को भी साथ लेंगे, वो बिजनेस का कारक है। अगर जॉब करते हैं 10th हाउस में सूर्य को साथ लेंगे, जो कि जॉब का कारक है। ऐसे ग्रहों के जो जिस चीज़ का कारक है उसको साथ में जरूर लेंगे। और आप बिजनेस करते हो, बिजनेस नहीं रुकता, टिक के बिजनेस नहीं करते एक जगह पर, वही देखिए चर राशि है या स्थिर राशि है, कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह पड़ा है, वो जो ग्रह है वो स्थिर रहता है या चला जाता है, भाग के जाता है। जैसे कि मंगल, मंगल की नेचर क्या है, जल्दी जल्दी काम बदलाना, और चंद्र की नेचर क्या है, जल्दी से ही वो काम को पार कर देना।
ऐसे ही जैसे गुरु जी विराजमान हैं या शनिदेव, वो तो ग्रह से ही पता चलेगा। ऐसे देखिए आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, वो आप कुंडली को दिखाइए, फिर पता चलेगा कि क्यों नहीं टिक्के काम कर रहे आप। ये आपके ग्रह ही हैं जो कहीं पर टिकने नहीं देते। अब आई बात आपके ग्रहों के साथ साथ चंद्र को साथ में जरूर लूँगा, क्योंकि वो मन का कारक भी है, क्योंकि वो जॉब को तो जल्दी जल्दी बदलता ही है, लेकिन मन का कारक भी चंद्रमा है। मन स्थिर नहीं रहता, अच्छी खासी जॉब चल रही होती है, बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है, मन मिटाव हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, मंगल और चंद्र का दोष आ गया। इसलिए देखिए कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह बैठा है जो आपको टिकने नहीं देता। जी प्रोफेसर साहब, क्या होता है कि 10 जगह इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एंड मोमेंट पे क्या होता है, एक कॉल आती है, आंसर क्या मिलता है, ये जॉब किसी और को चली गई। तो एंड मोमेंट पे जस्ट जो अपॉर्चुनिटी एकदम से स्लिप हो जाए हाथ से, तब जाके पता लगता है डेस्टिनी का कि हमारी किस्मत ही खराब है। क्या कहेंगे ऐसे एक पॉइंट पे जब एकदम से पासा जैसे हम कहेंगे वो पलट जाता है। जब जॉब 10 जगह पर जाते हो तो जॉब कहीं पे ही नहीं मिलते, लास्ट में ऐसे होता है, पहले पे 10 जगह पे जाते हो जॉब नहीं मिलती, उसका सूर्य खराब होगा। सूर्य अगर आपका खराब है या सूर्य को ग्रहण लगा है या राहु लगन में है, चंद्र और जो कारक है लगन का, कारक और सूर्य, चंद्र और सूर्य कारक है लगन के, उसको खराब करता है। राहु जहाँ पे बैठता है, मैंने पहले बताया कि कारक को खराब करता है, सूर्य खराब होता है लगन में राहु। क्या आपका कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है, अब बात आई लास्ट मोमेंट पे आपको जवाब मिलता है तो उसको कौन करता है, राहु। ये राहु का षड्यंत्र होता है, ये राहु जी ही ऐसे हैं, क्योंकि बनते बनते काम में लास्ट में क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं पे अड़चन। तो देखिए आपकी कुंडली में अंतर में पर्यंतर में राहु की अंतर्दशा या पर्यंतर में राहु की दिशा चल रही होगी, तभी ऐसा आपके साथ हो रहा है। राहु के बहुत से उपाय मैंने बताए हैं आपको, ये आप राहु को शांत कीजिए, राहु को ठीक कीजिए, तो आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसा जब होता है तो नहीं होगा। कभी कभार मैंने ऐसा भी देखा है कि जब हमारे चंद्रदेव भी खराब होते तब भी मन हमारा टिकता नहीं है कहीं पे भी, हमको ऐसा लगता है यहाँ पे जवाब मिलने वाला है, तो जवाब मिल जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव सोचा करो, हमेशा अच्छा होगा, और साथ में ग्रहों का उपाय कीजिए। जी ग्रहों की बात करते हैं प्रोफेसर साहब, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारा कौन सा प्लैनेट हमें किस जॉब की ओर लेकर जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो जॉब ढूंढ रहे होंगे या जिन्होंने अभी कोई कोर्स करना है, करना चाहते हैं, इतने पैसे भी लगाना चाहते हैं कोर्स पे, लेकिन चाहते हैं कि इतने पैसे लगाने के बावजूद हमें एक अच्छा परिणाम तो मिले, हमें एक अच्छी जॉब तो मिले। सो क्यों ना वही कोर्स किया जाए जिससे कि आपके ग्रह हैं जो और स्ट्रोंग हो रहे हैं और वो आपके इसी जॉब को इंडिकेट करते हैं। तो क्यों ना आप जानिए, हम इस शो पर बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं आपको बताने के लिए। अगर आप एक अच्छा कोर्स करना चाहते हैं या करने वाले हैं या कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कि आप किस ग्रह के अकॉर्डिंगली कौन सी जॉब है वो कर सकते हैं। लेकिन आपके ग्रह कौन से, आपके कुंडली के लगन कौन से, उसके लिए आप एक बार इन्हें कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, उसके बाद जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। सो ग्रहों की बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जिसका सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग है, लगन राशि में बैठा है, तो ऐसे जातक को कौन सी जॉब या कौन सी स्ट्रीम है जो वो करनी चाहिए? सही, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। जो सूर्य है हमारा, जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर है सूर्य से आता है, जिसका सूर्य बढ़िया है उसको कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए तो उसको बहुत नाम होगा, उसकी तरक्की दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। ये सूर्यदेव गवर्नमेंट सेक्टर में लेके जाता है आपको। जी बिल्कुल, यानी कि जिनका सूर्य ग्रह स्ट्रांग है, लगन राशि में बैठा है, तो वो उसको राज सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है, उनको ट्राई करते रहना चाहिए, सक्सेस उनके जल्द ही हाथ लगने वाली है। लेकिन क्या आपकी कुंडली के लगन राशि में सूर्य है, ये जानने के लिए तो आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी, एक बार इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं हम चंद्र ग्रह की, चंद्र ग्रह जो है कौन सी स्ट्रीम को इन्वाइट करता है आपकी कुंडली में और आपकी डेस्टिनी में? जी प्रोफेसर साहब, चंद्र जो है हमारे मन का कारक है, हमारे जितने भी दूध होता है, डेयरी होती है, या हम क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, उसका दूध निकाल कर बेचते हैं, तो वो चंद्र से ही होता है। चंद्र पहले देखिए आपकी कुंडली में ख़राब है या ठीक है। कई दफ़ा देखा होगा आप सब ने, जो डेयरी का काम करते हैं वो फेल हो गया, क्योंकि चंद्र हर किसी का तो बढ़िया नहीं होता ना, 80% लोगों का चंद्र खराब होता है तभी डेयरी फार्म नहीं चलते।
ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट एक बताया, जिनके डेली फॉर्म है या जिनके पोल्ट्री फॉर्म है उनका चंद्र ग्रह है जो वो स्ट्रांग होता है। सो अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, किसी ऐसी जॉब में जाना चाहते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा कि आपका चंद्र ग्रह कैसा है, स्ट्रांग है क्या, आपको फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि पैसा तो हर कोई लगाना चाहता है लेकिन कमाने के लिए ही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता जब वो आपका लगाया हुआ पैसा डूब जाता है। तो अपने पैसे को डूबने मत दीजिएगा, एक सही डिसीजन लेकर ही अपने जॉब में उतरेगा, अपने बिजनेस में उतरेगा। अब अगर हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल जो ग्रह है वो किस स्ट्रीम को इंडिकेट करता है प्रोफेसर साहब? मंगल तो डिफेंस को इंडिकेटर करता है। डिफेंस में जाइए, आर्मी में, फौजी में और पुलिस में, तो देखिए कैसे आपको तरक्की देता है, बड़े अफसर बनते हो आप। लेकिन साथ में सूर्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का वही करता है। और अगर मंगल आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो डॉक्टरी कीजिए, डॉक्टरी में और जो ऑपरेशन थिएटर जितने भी डॉक्टर होते हैं उनका मंगल बहुत बढ़िया होता है। जी बिल्कुल, यानी कि मंगल जिनका स्ट्रांग है, लगन राशि में है, ऐसे जातक जो है डिफेंस में या ऐसे गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। सो एक बार अपनी कुंडली को ज़रूर एनालिसिस करवाइए और जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, हम किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे प्रोफेसर साहब, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर कर रहे हैं ट्राई तो वो ये सोच लें कि हमारे ये ग्रह स्ट्रांग नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको उसमें सक्सेस चाहिए तो आप कोई ना कोई उपाय जरूर करवा सकते हैं, बहुत आसान उपाय हो, ग्रह को आप स्ट्रांग कर सकते हैं अगर आपको सक्सेस चाहिए। लेकिन हम तो सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन से स्ट्रांग ग्रह की वजह से आपको सक्सेस हासिल होती है। अगर वो ग्रह स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग कीजिएगा और सक्सेस पाइएगा, लेकिन अपना फोकस है जो जिस चीज पर आपका फोकस है उससे बिल्कुल भी ये ना हो कि 15 जो साल आपने जो स्टडी के ऊपर लगाए हैं, मेरा ये जो मेरा एपिसोड देख रहे हैं आपने देखा मेरा तो ये ग्रह था तो मेरे को तो ये करना चाहिए था, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने देखना है अगर आपका वो ग्रह वीक है जो जिसकी ओर आप फोकस कर रहे हैं तो ठीक करवाइए, बहुत आसान उपाय हैं, वो तो बताता ही रहता हूँ मैं। बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम अब बात बुध ग्रह की करें तो बुध ग्रह कौन से सक्सेस को जो है इंडिकेट करता है प्रोफेसर साहब? हमारी जितनी भी ट्रेडिंग होती है ये बुध ग्रह ही कराते हैं। जितना भी ट्रेडिंग या दलाली होती है, या हम कहते हैं हमने बेचने का काम कर दिया, किसी और का माल किसी और के घर में बेचा, ट्रेडिंग का काम ये बुध देव ही करते हैं। और ये बुध देव जिसके अच्छे हैं उसकी वाणी, कहते हैं अपनी वाणी से पैसा कमाता है वो इंसान, सिर्फ बोल के ही। और उसका यहाँ पे प्लाट पड़ा है और उसका प्लाट है, बेचना किसी और को है, ये दलाली जो होती है ये बुध से ही आती है। जी बिल्कुल दर्शकों, अगर किसी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है अपने ट्रेडिंग के बिजनेस में तो आप अपने बुध ग्रह को स्ट्रांग कर सकते हैं और इस लॉस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब बात करते हैं हम गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह हैं, सब ग्रहों के मालिक हैं, तो ये क्या कहते हैं हमारी राशि में? ज्ञान का कारका है, ज्ञान दीजिए लोगों को, ज्ञान ये नहीं कि ज्योतिष के माध्यम से, और भी ज्ञान स्टडी करवा सकते हैं आप, किसी भी शिक्षा को हासिल करके उसे पढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी विद्यालय में गुरु बन जाइए, और नहीं तो गुरु का गोल्ड भी होता है। और गुरु और शुक्र जिसका बहुत बढ़िया हो वो ज्वेलर बन सकता है, और जिसका गुरु और भी अच्छा हो बेसन का काम कर सकता है, और जो हमारे चने की दाल होती है वो भी गुरु की ही होती है, हल्दी होती है वो भी गुरु की होती है, लकड़ी होती है वो भी गुरु की होती है, आप क्या चाहते हैं, बहुत से काम होते हैं हर ग्रह से। जी बिल्कुल, एक बार आप अपने बिजनेस करना चाहते हैं, किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो एक बार कुंडली को ज़रूर एनालिसिस करवा लीजिए, क्योंकि आजकल बिजनेस में भी वो तो दिन नहीं रह गए कि थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की तो बिज़नेस स्टार्ट कर लिए, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनको वेस्ट करने से पहले या उनका नुकसान करने से पहले एक बार अपने कुंडली को ज़रूर दिखा लीजिएगा। अब बात अगर हम शुक्र ग्रह की करते हैं, जी बिल्कुल सबका फेवरेट ग्रह है शुक्र, तो शुक्र अब है कौन सी स्ट्रीम को रिकमेंड करता है? ये जितना भी आप सिनेमा में जाते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या फिर कॉस्मेटिक का काम करते हैं, ये सभी काम शुक्र से आते हैं। सजावट का कोई भी काम होगा तो शुक्र से आएगा, जितना भी कपड़ा चमकदार होगा वो शुक्र से आएगा, जो भी चीज़ आपको आकर्षित करती है जैसे कि बहुत सुंदर है वो शुक्र से ही आती है। कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं तो वो शुक्र से आता है। लड़कियों के जितने भी काम होते हैं सभी शुक्र से ही आते हैं। कोई भी काम कर सकते हैं, कपड़ों का काम कर सकते हैं और रेडीमेड का काम कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के वो सब शुक्र से ही आते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, ये जो किताब है द सीक्रेट बुक ऑफ योर लाइफ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं।
सो आज का शो बस इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे और जानकारी के साथ और ज्ञान के साथ। प्रोफेसर साहब इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय कुछ और सीक्रेट्स के साथ। नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।